नमस्कार दोस्तों, मिशन 100 करोड़ में आपका स्वागत है और हम यहाँ पे सेक्टर 62 में, क्या नाम है कंपनी का? UneecopsTechnologies टेक्नोलॉजी। अच्छा अच्छा, UneecopsTechnologies टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे 42 पेड़ लगा रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर बादल दिख रहे हैं, बादल आगे चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पेड़ नहीं है। दिल्ली NCR में आज कल बारिश कम हो रही है तो खेतों में जाके बरस रहे हैं, तो आप लोग अपने आसपास इतना पेड़ लगाएं और कम से कम सारे जितने लोग यहाँ पे आए हैं कंपनी के लोग, कम से एक पेड़ लगाएं और एक गोद की तरह ले लें, उसको बीच बीच में आके देखभाल करते रहें कि हमारा पेड़ कितना बड़ा हुआ। और जब इस पे चिड़ियाँ बैठ के फल खाएंगी तो हाँ, और पास ही आपकी कंपनी कहाँ पे? अच्छा, तो आप आ भी सकते हो, आने जाने टाइम एक बार देख सकते हो कि पेड़ों की एडमिन पहुंच गए हैं। हाँ अच्छा अच्छा, और सर आ गए, क्या नाम है सर आपका? निखिल मल्होत्रा जी हैं। बत्रा। और बताइए सर, कैसे नेचर, आप तो जानते हो 48 डिग्री सेल्सियस इस समय जरूरी है, ये सब पेड़ और पौधे सब थोड़ा थोड़ा टाइम दे, अगर निकाले अपनी जीवन लाइफ से तो इट विल हेल्प टू द नेचर। और दैट इज ओनली द यू नो आइडिया टू डू अरेंज ऑल दीज थिंग्स। और अच्छा है, कंपनी के जो भी है, कंपनी पेड़ लगा रही है, कुछ अपने CSR से कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप करोड़ों कमा रहे हो और संडे सैटरडे गेम की तरह एक पेड़ लगाना है और इसमें एक सुकून भी मिलेगी, आपको अच्छी नींद आएगी कि हमने कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग तो सैटरडे संडे बस निकल जाते हैं पेड़ लगाने के लिए, इसीलिए लगाते हैं कि हम जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हैं कल हम, तो कुछ धरती के लिए, अपने मौसम के लिए कुछ कर जाएं। और ये पिलखन का पेड़ है, 500 साल तक इस पेड़ का उम्र होता है, और यहाँ मौलसरी का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है। और ये सावन चल रहा है, सावन महादेव का पूरा महीना है, इसलिए बेल का भी पेड़ लाया गया है। और ये बेलपत्र चढ़ाते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि एक बेल का पेड़ ही महादेव को चढ़ाइए और पेड़ लगा के इस चीज़ को, ताकि ये बेल का पेड़ है, इस पे शंकर भगवान का बहुत आशीर्वाद होता है, आप बेलपत्र चढ़ाते हो तोड़ तोड़ के, तो कोशिश कीजिए सावन एक एक बेल पेड़ लगाएं। और ये इस सबसे अच्छा इन्वेस्ट है, 500 साल तक इतना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पीपल बरगद 500 साल से ज़्यादा उम्र होती है और ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और ये मौलसरी का वृक्ष है, बहुत अच्छा सुंदर पेड़ है और इसको आप लोग लगाइए, चिड़ियों का पसंदीदा। और ये है, कंपनी से आ रहे लोग, कम से कम एक पेड़ अपने नाम लगाएंगे। और उसका पासीन की कंपनी है, ऑपरेशन विजय की 20वीं सालगिरह पर द्रास। और पिछली बार हमने फाइकस के पेड़ लगाए थे, ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है। और ये मौलसरी का पेड़ लगाया था हमने पिछली बार, ये देखिए। और ये पिलखन का पेड़ है और ये जामुन का पेड़ है जो पिछली बार लगाए थे हम लोग, चेतु की कंपनी की मदद से अच्छा काम चल रहा है पेड़। और इसमें फूल आके और ये देखिए पिलखन, ये अशोक लगाए थे हम लोग आके, ये चेतु IT की कंपनी थी, उनके द्वारा ये अशोक के पेड़ गर्मियों में लगे थे और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं पेड़।
ये अशोक पिंडोला है, अपने बीजों से गिरा के और नए पेड़ बनाता है। और सावन का महीना चल रहा है, आप लोग सब चारों तरफ शंकर भगवान का पूजा हो रहा है, तो कोशिश कीजिए बेल का पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और बेलपत्र चढ़ाते हैं लोग, हम तो कहते हैं बेलपत्र की जगह बेल पेड़ ही चढ़ाइए। मैम यहाँ पे कर दें आप लोग, एक एक आप लोग पेड़ ले लो, एक एक गड्ढा ले लो उसको, हाँ। और संडे सैटरडे आके आप देखते रहो। और नमी है इसमें, ज्यादा मेहनत नहीं करो गड्ढा करने में। और ये देखिए सबसे सुकून का काम है, अब पैसा तो कम दुनिया कमाती है लेकिन एक पेड़ लगा के सुकून बहुत कम लोग कमाते हैं। और ये पेड़ है जो कि बारिश देंगे, चिड़ियों का घर देंगे, और जो भी दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल 800 से ऊपर बढ़ चढ़ जाता है जाड़ों में, उसको कम करेगा। और देखिए मिट्टी बहुत काफ़ी अच्छी है, काफ़ी केचुए इसमें हैं, केचुए बताते हैं कि मिट्टी यहाँ की अच्छी है, पेड़ों के लिए अच्छा होगा। और ये नेचर है, नेचर से हम छेड़े नहीं, नेचर खुद कंपोस्ट देता है। जाड़ा होता है, जाड़े के बाद पतझड़ आता है, पतझड़ इसलिए आता है कि पत्ते गिराता है, क्यों गिराता है कि पत्ता मिट्टी में जाएगा, बारिश होगी सड़ेंगे, खाद बनेंगे। तो भगवान ने जो भी है हमारे ऊपर, महादेव हैं, एक ऐसा प्रकृति का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कि सारा काम अपने आप हो रहा है, लेकिन हम मनुष्य हैं कि सारी दिल्ली एनसीआर नोएडा को कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं। और बस 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 ये बीच में खोदना, किनारे किनारे नहीं, हाँ हाँ बीच बस बीच में होल सा कर दो आप, पूरा मत खोदो, हाँ छेद छोटा सा बस, हाँ हाँ बीच में, बस बीच में, हाँ बस ऐसे ठीक, बहुत गहरा हो जाएगा, हाँ हाँ नहीं नहीं ज़्यादा ज़्यादा नमी अंदर रहेगी ना, जितना गहरा रहेगा उतना पेड़ अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी, हाँ बस 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 ठीक है, वैसे गड्ढा है और एक गड्ढे में ये वाले हैं लाइन। और देखिए ये लोग अपने ऑफिस में लैपटॉप पे उंगलियां रहती हैं, आज गड्ढा खोदने और पेड़ लगाने का भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं किसी गांव से हैं, शहर में कोई नहीं था, तो हमारे माता पिता कहीं ना कहीं किसान थे और ये काम करते थे, हम पढ़ लिख के लैपटॉप पे उंगलियाँ चलने लगी इधर फोटो, लेकिन ये बीच बीच बस बीच में बीच में बीच में, हाँ उसके बाद और आप लोग भी जितना ज़्यादा ज़्यादा इस बरसात पेड़ लगाइए, क्योंकि ये मौका साल भर में बस एक बार आता है, फिर 8 महीने आप पछताओगे कि हमने पेड़ नहीं लगाया। तो पेड़ जाड़े में उतना ग्रो नहीं करता है, ना गर्मी में उतना ग्रो करता है, बरसात में बहुत जल्दी बहुत फास्ट ग्रो करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे नीम के बीज काफ़ी गिरे हुए हैं, अपने आप बारिश हुई उससे पौधे निकलने लगे हैं, और पेड़ जो अभी लगेगा वो बहुत जल्दी अगले साल तक पेड़ बन जाएगा बारिश के बूंदों से। पूरा लाइन करना है, आज जिम की एक्सरसाइज गड्ढों में हो जाएगी और ये पसीना निकलेगा। जिम में तो मेहनत करके बोर होते हो, लेकिन एक पेड़ लगाओगे तो अच्छा लगेगा आपको, कहीं कहीं मेहनत इन्जॉयमेंट देता है, कहीं कहीं मेहनत बोर करता है, तो एक अच्छी चीज़ है। और काफ़ी अच्छा कंपोस्ट इसमें डंठल पत्ते पड़े हुए हैं, पौधों की जड़ों के लिए अच्छे हैं। ये दीमक है, दीमक है, दीमक ये जड़े काट देता है, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। और आज 42 ट्री लग रहा है, हम लोग 600 का टारगेट लगभग इस महीने पूरा कर लिया हमने, 5000 का टारगेट है। और हम लोग सब लोगों से, कंपनियों से, इन्हीं से टारगेट पूरा करवाना चाहते हैं कि हर आदमी इस पुण्य के काम में सहयोग दे। मंदिरों में बेल पत्ते खूब चढ़ रहे हैं, बेल का पेड़ एक ही है और नहीं है, है? और नहीं हो जाएगा, हो गया 15-20 तो खुद ही गए, 15-20 खुद ही गए। अगर 42 लोग आ रहे हैं तो अगर एक आदमी ले ले एक एक करता है तो हो जाएगा। इस
लगा हुआ है मत खोदो। नहीं नहीं पेड़ नहीं हो, घास घास फूस है। पेड़ नहीं हो वैसे ही रहा है ना। हां जैसे किसी ने लगाया हो। हां नहीं वो सिर्फ पन्नी है, पेड़ नहीं है। पन्नी हाँ हाँ कीजिए, आपका पूरा उस पर हक होगा कि मेरा पेड़ है मेरा गड्ढा है, खुशी मिले कि हमने लगाया है। और ये सबसे सुकून है, किसी काम में नहीं मिलता है। ये पेड़ लगाइए आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, रेन हार्वेस्टिंग कीजिए, नदियों को साफ कीजिए। पेड़ होंगे तो बारिश होगी, पेड़ होंगे तो ज़मीन अच्छी होगी, पानी का ऊपर आएगा। अगर आप इस जगह का पानी पिए तो बहुत मीठा होगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ है। पेड़ की जड़ें क्या करती हैं, पानी को फिल्टर करती हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस है, जो जो फल विलुप्त हो रहे हैं, बचपन में देखते थे काफ़ी इमली के पेड़ होते थे, आम के होते थे, आप नोएडा NCR में देखोगे पेड़ नहीं, बहुत कम ना के बराबर दिखेंगे। तो इन पेड़ों को जो विलुप्त हो रहा है, उन पेड़ों को भी लगाना है हमें। और आप लोग कहीं घूमते हैं तो आसपास देखें किस चीज़ का पेड़ है क्या है, थोड़ा नॉलेज लीजिए। और ये देखिए सर आए हुए हैं, अब इनसे कुछ ले कि कैसे हम लोग, जैसे दिल्ली NCR का पोल्यूशन लेवल बढ़ गया और जो हीट 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था, तो ये UneecopsTechnologies कंपनी है और ये अच्छा काम कर रही है, 42 पेड़ लगा रही है। तो आप लोग भी जो भी कंपनी है, जो लोग देख रहे हैं अपने अपने जहाँ जॉब कर रहे हैं, अपने HR में या अपने डायरेक्टर साहब को सजेशन दे कि इस बरसात मौका जाने ना दे। और नोएडा में इतनी कंपनी है, इतनी पेड़ लगा देंगे तो बहुत जल्दी दिल्ली NCR का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो सर कुछ अपना सुझाव दीजिए कि कैसे हम इस चीज़ को क्या सोचते हैं। हमें चाहिए कि जहाँ पर भी हमें दिखे पेड़, जहाँ पर खाली जगह दिखती है, जहाँ पर पेड़ हर जगह होने चाहिए। जहाँ पर हमें देखे खाली जगह है जहाँ पेड़ होना चाहिए, हमें लगा देना चाहिए। जहाँ पर हम कर सकते हैं, हम खुद करें, किसी और को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी और को सजेस्ट करें, लेकिन कहीं पर भी खाली जगह बचनी नहीं चाहिए जहाँ पर पेड़ लग सकता है। बहुत बढ़िया बात कहें। अब गाड़ी से जाते हैं हम, कहीं धूप देखते हैं तो गंदा लगता है, ग्रीनरी जहाँ होती है, कूड़ा भी हो तो भी वो चीज़ सुंदर लगने लगती है। तो सर ने कहा कि जहाँ आप निकलते हो वहाँ ज़रूर पेड़ लगाओ। अगर आप ऑफिस से घर जाते हो तो रास्ते में 5-10 देख लो और पीछे बोतल में पानी रख लो, पेड़ लगाओ और जब निकलो पानी दो। और जब बड़े पेड़ होंगे तो आपको इससे बड़ी खुशी नहीं मिलेगी, इससे बड़ा पूजा नहीं मिलेगा। आप मॉल में जाते हो, मूवी देखो ठीक है, लेकिन 500 रुपये का अगर 5 पेड़ लगा दोगे तो पेड़ आपको सदियों 500 साल तक आपको दुआएं देते रहेंगे। और जो चिड़िया उस पर बैठेंगी, वो फल खाएंगी, उनको भी एक घर मिल जाएगा, उनको भोजन के लिए एक जगह, लोगों को छाया मिलेगी, लाख लोगों को छाया मिलेगी, छाया मिलेगी। और आप मेट्रो सिटी का सबका हालत ख़राब है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट गलत नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए गवर्नमेंट को संवेदनशील होना चाहिए। जो बड़े बड़े पेड़ काट रही है उसको ट्रांसप्लांट करा जा सकता है। दूसरे देशों में हो रहा है कि पेड़ों को काटा नहीं जा रहा है, और पेड़ इसमें भी जिंदगी है। ये जैसे आदमी को हम मर्डर करते हैं तो पेड़ काटते हैं तो एक मर्डर जैसा है, जुर्म होना चाहिए, लोगों के खिलाफ केस होना चाहिए। तो हम कोशिश करें। और सर आपने अब घर में पेड़ रखे हैं कुछ प्लांट? ग्रीन प्लांट्स हैं घर में, बहुत अच्छा रहते हैं, फ्लैट में पेड़ नहीं लगाया जाता, इंडोर प्लांट है, ऑक्सीजन देते रहते हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, बालकनी में प्लांट्स हैं, वो सब ध्यान। तो कम से कम आप लोग बाहर नहीं लगा सकते हो तो अपने रूम में, अपने बेडरूम में तो कुछ प्लांट रख सकते हो जो आपको शुद्ध ऑक्सीजन दे। बिल्कुल। किस पोस्ट में है सर इस कंपनी में आप? असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा अच्छा जी, और डायरेक्टर साहब हैं वहाँ पे, और ये इन्होंने ही अच्छा सोचा और 42 पेड़ लगाए और भी आगे लगाते रहेंगे इस बरसात में। ये बहुत सुनहरा मौसम है, साल में एक बार आता है, अगर ये हाथ से बरसात निकल गया तो आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ में, किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी को TB बीमारियां हो रही है। क्यों? आप इस दुनिया से चले जाओगे कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। तो धरती माँ है हमारी, कुछ पेड़ लगा लो तो कम से कम मरेंगे हम तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कान होगी कि हम इस धरती माँ के लिए कुछ अच्छा किया। और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, पेड़ लगा रहे हैं। हम चाहेंगे 42 नहीं, ये 500,000 इस बरसात लगाएं। और संडे सैटरडे जैसे कोई गेम खेलते हैं, आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए, पेड़ लगाइए। धन्यवाद, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मनोज नागपाल। मनोज नागपाल जी हैं, और इन्होंने बताया कि जहाँ जाओ आप पेड़ लगाओ। और ये देखिए पिलखन का पेड़ है, 500 साल से ये फाइकस फैमिली का पेड़ होता है और इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। और ये आपके हाइट के ऊपर से, अगली बार आओगे तो आप इसको, और आप कहीं गर्मी में धूप में जा रहे हो, आप किसी पीपल के नीचे खड़े हो जाओ या किसी पेड़ के नीचे, तो एक पेड़ लगाओ सर। आप
बिजी होगी तो लोगों को बताना पड़ता है। सबसे बड़ा काम होता है लोगों को इकट्ठा करना, यहाँ पर जाना सबसे बड़ा काम है। और ये रोज उंगलियाँ लैपटॉप पे चलती हैं, कंप्यूटर पे चलती हैं, आज मिट्टी पे चल रही है। और हम लोग कहते हैं हम लोग शहरी किसान हैं, क्योंकि हम शहर में पेड़ लगाते हैं। हम सब किसी न किसी फैमिली किसान, ये सावन है महादेव का, इसलिए इसका ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं मिलता। हमने कहा ये लगाना जरूरी है। बेलपत्र नहीं चढ़ाइए, हमारा यही मैसेज है, बेल पेड़ चढ़ाइए, क्योंकि बेल पेड़ आपका 500 साल तक रहेगा। बेलपत्र और एक जितने लोग हैं 42 लोग का एल्बम बन जाए, इन्होंने एक एक लोगों ने एक एक पेड़ लगाया, और सबको एक एक पेड़ अडॉप्ट करना है। और बीच बीच में आपको देखना है कि हमारे पेड़ कैसे हैं, अगर सूखते हैं बेकार होते हैं तो फिर आपको लाके एक नया पेड़ वहाँ पे लगाना है। लगा दे। हाँ हाँ पौधे पौधे अभी एक साथ लगा दे। इतना बड़ा तो दो चार लोग पकड़ो। नहीं नहीं नहीं, ये जामुन का पेड़ है क्या? नहीं नहीं पिलखन है। आओ निकल अपना पेड़ बताओ, तुम आओ उठाओ पेड़, आ जाओ आ जाओ। और सब ने अपने हाथ से एक एक पेड़ लगाए कि उनका एक लगे कि हमारा पेड़ है, अडॉप्ट किए। अगर सूखता है बेकार होता है फिर अगली बार आके उसकी जगह लगाना है। और जब तक बड़ा ना हो, बीच बीच में संडे सैटरडे पानी दीजिए, लेकिन एक बार आके देख जाइए। हाँ जगह फिक्स तो नहीं करेगी, लगा दीजिए। और ये पीपल का पेड़ है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, इस पे तीनों लोग का वास है। तो आप एक भगवान की पूजा भी कर रहे हैं और एक पेड़ भी लगा रहे हैं। प्लास्टिक निकाल, पूरा प्लास्टिक पूरा निकालिए। और ये 500 साल से ज्यादा उम्र होती है पीपल की, और पीपल लगाया जा रहा है। ये दे दो, इधर मिट्टी डाल दे। और ये सर लगा रहे हैं, और ये हर साल लगाएंगे, वादा करते हैं कम से कम 100 पेड़ तो लगाएंगे। और जितने एम्प्लॉई हैं भगवान करेंगे एम्प्लॉई बढ़ते जाएंगे, कंपनी बढ़ती जाए, और ये लोग ऐसे ही पेड़ लगाते जाएं। और ये सबसे अच्छा है, सावन का महीना चल रहा है, आप पेड़ लगा के महादेव का पूजा कीजिए, और इससे बड़ी प्रसाद, इससे बड़ी श्रद्धा हो नहीं सकती है। और पीपल का लग गया सर, आप 500 साल तक इन्वेस्टमेंट कर दिए, समझिए धरती माँ के बैंक अकाउंट में एक ऑक्सीजन दे दिया आपने। और ये बेल का पेड़ लग गया, बहुत बढ़िया है, महादेव का सबसे। इन लोग के लिए एक और होगा जो ये लोग लगा लेंगे। जामुन का हम लोग उधर चलते हैं तो वहाँ पे जामुन है काफी है। सब अपने नाम का एक एक लगाया, जो कभी लाइफ में पेड़ नहीं लगाया वो तो जरूर लगाए, और किसी ने लगाया हो तो कोई बात नहीं, जिसने कभी अपने लाइफ में नहीं लगाया वो जरूर एक बार एक्सपीरियंस लीजिए। वहाँ रखा हुआ है, ऊपर से पानी। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कोई काम हम लोग और देखिए एक जन जागरूक अभियान चल रहा है। और जितनी कंपनियां जितनी दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, अगर एक एक पेड़ लगा दें तो पूरा हमारा दिल्ली एनसीआर हरा भरा हो जाए। ये हमारा मिशन 100 करोड़ का, हमको नहीं लगाना है 100 करोड़, ये सब लोगों को जागरूक करके एक एक पेड़ लगाना है। और देखिए काफी भीड़ आ गई है, और ये हमारी यूथ है, यही हमारी भविष्य है, इनको जागना पड़ेगा और इसको लगाना पड़ेगा। तो हम किसी को बुरा लगे तो सॉरी, क्योंकि हम आईटी कंपनी के बाहर जाते हैं, सिगरेट के बड्ड बहुत गिरे रहते हैं, तो आप जितना सिगरेट पीते हो एक पेड़ लगा लो, वो पेड़ हमारे 500 साल तक सांस देगा। पियो सिगरेट ठीक है, लेकिन कुछ सांस भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। सिगरेट 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, पेड़ कभी नहीं ख़त्म होगा। 500 साल तक लगाइए, और अपनी सेहत को अपनी सांसों को
अपने आप को अपनी उम्र को इसको बढ़ाइए। और बनियान ट्री है, हमारा राष्ट्रीय ट्री है भारत का, और सबसे ज़्यादा लंबा ये। एक मिनट, उसको इसको पन्नी फाड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, पन्नी उसको पकड़ना पड़ेगा। और ये आप लोग का पेड़ है, आप बीच में आओ तो इसको देखते जाओ कैसा पेड़ है। और पानी का बोतल अगर ले जाते हो पीने के लिए तो इन पेड़ों को बीच बीच में, अभी तो 4 महीने पानी की ज़रूरत नहीं है, सीधा अभी गर्मी में ही पड़ेगा और नमी काफ़ी है इसको। हाँ, हमारे मैनेजर्स को ज़रूर भेजना। आओ ना, बैग उतारो। लगाओ लगाओ, मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे एक दिन। मिट्टी से पहले हम लोग मिट्टी से हाथ धोते थे, साबुन नहीं होता था, आजकल हम मिट्टी से डरते हैं। ये मिट्टी है हमारी, मिट्टी में ही सब पैदा हुआ, मिट्टी से ही सब चीज़ें पैदा होती है, सारे जीव। बारिश होती है आप देखोगे, जो जीव पूरे साल नहीं मिलते मिट्टी से ही निकलते हैं। दो तीन महीने तक अभी ज़रूरत नहीं है, अब इनकी जड़ें इतने बड़े पेड़ हैं कि सीधे अब गर्मी में देना पड़ेगा। और यहाँ का स्टाफ देता रहा, लेकिन आप अपने हाथ से दोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और देखोगे पेड़ों के तो इसको पैर से थोड़ा दबा दिए। हाँ बस, और काफ़ी नमी है, मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा हवा जड़ों में नहीं जाना चाहिए, दाब दीजिए पैर। और देखिए पिलखन का लग गया, अगले ये 8-10 फुट का है, अगले बार 20 फुट हो जाएगा आप लोग आओगे तो। और शायद इस पर चिड़ियों का कुछ आवास बन जाए, चिड़िया बैठने लगे इस पेड़ों पे। अब आइए एक ही जगह उधर लगाते हैं सबको, एक जगह इकट्ठा होकर लाइन से आइए, सब उधर ही चलते हैं। अब आ जाओ आप उधर ही लगाते हैं, एक ही पास सब लोग वहाँ उधर ही से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ इधर, तो देखिए सारे लगे हुए हैं। 70 साल पहले हमारा देश गुलाम था, हमने आज़ादी के लिए लड़ा, फिर भ्रष्टाचार के लिए लड़े, अब हम पोल्यूशन के लिए लड़ना है और एक प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा भगाना है हमें। और जैसे कंपनी लगा रही है, अगर हर कंपनियां नोएडा दिल्ली एनसीआर की पेड़ लगाने लगे, और 5,000 का लक्ष्य है हमारा इस बरसात में, आज हमारा 600 तक का टारगेट पहुंच गया। और हम लोगों से कंपनी से बोल के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ इस बार लगवाएंगे। वैसे तो टारगेट हमारा मिशन 100 करोड़, जब तक हर साल पेड़ नहीं लगता तब तक हमारा ये मिशन चलता रहेगा। ठीक है ना, और ये ऐसे पेड़ हैं, बरगद हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, पीपल है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और बड़े विशाल हैं, 500 साल उम्र है इसकी। तो हम ऐसे पेड़ लाए हैं कि जो पेड़ों की कोई उम्र नहीं होती, पेड़ जो होते हैं जब तक उनको काटा ना जाए या कोई कीड़ा ना लगे वो पेड़ तब तक मरते नहीं हैं। और इस जगह को पूरा जंगल बना दिया जाए कि चिड़ियों का एक आवास होना चाहिए, क्योंकि हमने एसी लगा लगा अपने कमरे बंद कर दिए, गौरैया कहाँ से घर में जाए। और
और बढ़िया पूरा पूरी हमारी यूथ लगी है और हम आने वाली जनरेशन हमारे बच्चे जो है इनको सिखाना पड़ेगा। और आप लोग भी लगा दीजिए फेसबुक पे लाइव पे, जो जो लोग आपके दोस्त देखे जागरूक हो देख देख के। हमारा फोटो बनाना वीडियो बनाना यही होता है कि हम जो काम अच्छा कर रहे हैं दूसरे भी लोग देख के उसको काम को करें, इसलिए हम लोग मैं ही बुला ला एक ही जगह लगाते हैं तो उधर वाला फाइनल कर देता हूँ मैं तब तक। एक ही तरफ लेते आइए यहीं करवाइए उसको। फेसबुक लाइव है ज़्यादा देखते हैं ना लोग, हमेशा हर सैटरडे संडे देखते हैं। अच्छा। इस बार फ्राइडे आए तो लोग जागरूक होकर और लगाते हैं और लोग मिशन से जुड़ते जाते हैं और लाइव इसीलिए है कि पहले का वीडियो नहीं डाला जा रहा। लाइव देखिए, लाइव पेड़ लग रहा है और पानी नहीं है लेकिन बारिश करवाओ ना यार, नमी है हो जाएगा, बारिश होगा ही। अब पेड़ लगाया देखिए शाम तक बारिश जरूर हो जाएगी। हमने जहाँ जहाँ पेड़ लगाया अगले दिन या उसी दिन बारिश हो गया है। और ये बनियान बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें बहुत सुंदर लगता है, बहुत बड़ा होगा तो और मोटा होता जाएगा। और सब लोग एक एक बाइट दीजिए कि कैसे हम लोग अपने धरती को हरा भरा किया जाए। आपके दिमाग में ऑफिस में टारगेट लेते हो कितना काम करना है, वैसे पेड़ लगाने का टारगेट ले तो आप बताइए क्या आपका एक एक्सपीरियंस कहता है कि कैसे। मैं तो जब भी छुट्टियों में जाता हूँ गांव में, अभी भी है अगस्त में मैं जा रहा हूँ तो बारिश का टाइम होता है तो मैं तो पेड़ गाँव में लगा के आता हूँ क्योंकि तो मुझे सही लगता है, हरा भरा रहता है। अगर शहर में हम पेड़ काटते रहते हैं और भी हरियाली खोजने के लिए हम टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, अभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आस पास कोई हरा रखेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी जाने की। ठीक है, गांव में लगाते हैं अच्छी बात है, लेकिन शहर में हम ले रह रहे हैं सांस यहां ले रहे हैं तो यहां पेड़ों की ज़्यादा जरूरत है। यहां भी जरूरी है, यहां पोल्यूशन ज़्यादा है और दिल्ली में जितनी गाड़ियां हैं जितनी कंक्रीट के जंगल है, गांव में तो वैसे ही पेड़ हैं और वैसे ही सारे पंछी हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसा गाँव में आप हरा भरा कर रहे हैं आप दिल्ली NCR में इसको हरा भरा कीजिए। धन्यवाद, क्या नाम है आपका? आनंद पाठक। आनंद पाठक। आनंद पाठक जी। जी कहाँ के रहने वाला? मैं प्रतापगढ़। पूर्वांचल तो वैसे हरा भरा है, इलाहाबाद, मैं भी गोरखपुर आपके पूर्वांचल का हूँ इसीलिए पूर्वांचल के लोग वैसे ही नेचर प्रेमी, उत्तराखंड हिमाचल पेड़ ही देखते हैं, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं मोदीनगर से हूँ। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ? मोदीनगर में हमारे घर पर हमने कई पेड़ लगा के रखे हुए हैं और हमारे एक जामुन का पेड़ है वो भी काफ़ी बड़ा हो रखा है, लेकिन यहाँ पर पेड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम यहीं पर रहते हैं पूरे दिन, ओल्ड डे यहीं पर वर्क करते हैं, तो यहाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए पेड़ों की बहुत ज़रूरत है। तो हम सब लोगों को एटलीस्ट एक एक पेड़ को लेकर लगाएँ और उन्हें मतलब उसे बड़ा करें, ऐसे मतलब पालें उसको, तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पर और कंपनी यहाँ पर आई है यूनिकॉप्स टेक्नोलॉजी। तो सही कह रहा, बहुत बड़ा काम नहीं है, पेड़ लगाना बहुत आसान है और उसे पालना थोड़ा मुश्किल है। बस पेड़ लगाइए और अपने आसपास हरा कीजिए। पेड़ क्या करती है, मिट्टी की उपजाऊ बनाती है और पानी जो ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है उसको ऊपर लाती है। तो पेड़ एक ऐसा चीज़ है कि सारे पोल्यूशन और सारे जो और अब हमारा ये टारगेट है कि हर हफ्ते किसी न किसी कंपनी के साथ आके यहाँ पर हम पेड़ लगाएं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ों के साथ फ़ोटो भी और सुंदर लगने लगता है। और आप लोग लाइव डालिए, इस वीडियो बनाइए और अपने फेसबुक पे डालिए कि उसको देख के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। आप पेड़ लगा के फ़ोटो फेसबुक पे डालोगे, सोशल मीडिया पे डालोगे तो आप लोग को देख के और भी लोग इसको करेंगे। अच्छा काम है, अच्छा काम जितना शेयर हो जितना लोग देखें उतनी अच्छी लगे। और आप अपने दोस्तों से कहो भाई कि आप भी 5 पेड़ लगाओ, हमने 5 पेड़ लगाया। तो ऐसे ही एक चैन चलता रहे, अंग्रेजों को भगा दिया, प्रदूषण को भगाना है हमारे देश से। और ये ऋषि मुनि और रामायण कुल रामायण युग का हमारी धरती है जहाँ पर नदियों फूल पेड़ों से हमारा देश सजा रहता था। हो गया अभी तो पूरा, ये लगाओ और खड्डा देखोगे, छोटा खड्डा बड़ा कर दो,
एक मिनट हम चलो भीड़ लगाना है प्लांट बचा है ना प्लांट एक ही है उधर लग गया हमारा और बताइए 42 पेड़ लग गए लेकिन पता नहीं चला हमें इतने ज्यादा लोग हैं अगर यही दो चार लोग होते तो पता चल जाता है इसीलिए होता है कि और आप भी एक बाइट दीजिए सर कैसे दिल्ली को एनसीआर को हरा भरा और सुंदर बना सकते हैं पोल्यूशन कम करें जिससे नोएडा या देश हमारा हरा भरा रहे और बहुत इजी स्टेप है आप तुलसी का बीज है ला के यहाँ फेंक दीजिए कुछ नहीं करना है आराम से 100-200 तुलसी जम जाएंगी फूलों का बीज लाइए इसमें डाल दीजिए पार्क में तो अपना शहर फूलों का शहर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए कोई बहुत बड़ा हार्ड वर्क नहीं है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है छोटा सा काम है पेड़ लगाना है हमें और ये बरगद का पेड़ बनियान का पेड़ हमारा लग गया है और ये 500 साल से ऊपर भी आपको शुद्ध हवा देता रहेगा बड़ा पेड़ छोड़ दिया तो पिलखन वाला है उसके साथ गीली है इस समय नेचर ऐसा भगवान की देन है कि बहुत उपजाऊ चीज होती है इस बार लगा देंगे तो लग जाएगा और आप लोग जहाँ रहते हो अपने आसपास छोटा सा ग्रुप बनाओ दोस्तों का आप मॉल में जैसे पिज्जा खाने जाते हो वैसे पेड़ लगाने 5-10 लोग मिलके जाओ पिज्जा तो एक दिन में खत्म हो जाएगा लेकिन पेड़ होंगे हमेशा आपके साथ ही होंगे भाई वो कर दूंगा मैं हाँ भाई वो कर देंगे प्रैक्टिस ग्राउंड यार हमारा भाई भाई रख दो हम कर देंगे और ये सारे फिटनेस यहाँ तैयारी करते हैं पेड़ों की देखभाल करेंगे आप लोग के और इनको सबसे बड़ा काम पेड़ लगाना नहीं पेड़ों की देखभाल करना और ये कंपनी ने लगाया और भी आगे लगाते रहेगा मन करेगा आप लोग तो अपना जन्मदिन पेड़ लगा के मनाइए अपनी मैरिज एनिवर्सरी पेड़ लगा के मनाइए और अपने रिलेटिव को भी पेड़ गिफ्ट दीजिए ये खींच के उसके साथ लगा देंगे बैनर के साथ बैनर ही लगा के शुरू में सिर्फ बैनर बना लेके उसके बाद और फोटो लगा इन लोग के जो प्रोफाइल पे जाएगा ना वहाँ से मैसेज आता है हमारा तो अपना तो चलते ही रहता है इनके प्रोफाइल पे जो जाता है सबके प्रोफाइल पे जाएगा आगे होगा पानी अभी नहीं आ रहा अरे मोलसरी तो पड़ा ही है और एक आप कोलगेट और पेप्सोडेंट करते हो एक बार इस मोलसरी का दातुन कीजिए बहुत अच्छा दांतों के लिए होता है और पीपल है पीपल पे कहते हैं कि विष्णु ने कहा मैं वृक्षों में पीपल हूँ इतना श्रेष्ठ पेड़ है इसलिए पीपल हम लोग जरूर लगवाते हैं और बहुत ज़्यादा उम्र होती है इसकी सब लोग एक बार आ जाओ एक पेड़ के पीछे देखो पेड़ के साथ फोटो सबकी पूरी ग्रुप की फोटो हो जाए एक साथ पेड़ों के साथ और ग्रीनरी में फोटो और सुंदर आता है हरियाली में फोटो और सुंदर आता है आप लोग कुल्लू मनाली शिमला हिमाचल घूमने जाते हो वहाँ जाओ प्लास्टिक मत फेंको पेड़ लगा के आओ और फिर अगली बार जाओगे तो
और आप लोग भी देखिए, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सारे स्टाफ और सारे एम्प्लॉय साथ में मिलके अपनी धरती को हरा कीजिए, नहीं तो अगले साल 50 डिग्री टेम्परेचर के लिए नोएडा एनसीआर में तैयार रहिए और एसी भी काम नहीं करेगा, एक ऐसा टाइम आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और अपने धरती को हरा भरा कीजिए। एक बच्चा, अभी तो बच्चे हैं पेड़ ना, एक ही लास्ट। और ये नीम का पेड़ है, पेड़ खरीद नहीं सकते तो पेड़ों के नीचे बीज गिरा हुआ होगा, उठा के अपने छोटे छोटे दूध के पैकेट आते हैं उसमें मिट्टी डाल के इन बीजों को आप पेड़ बना सकते हो और फिर आप बड़ा कर सकते हो। एक टारगेट रखो आप हर साल की, मुझे 10 पेड़ लगाना है, 15 पेड़ लगाना है या अपने बर्थडे पे पेड़ लगाना है। केक तो एक दिन में खा के ख़त्म हो जाएगा, ये पेड़ सालों तक आपका साथ देगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और इतना सुंदर दिल्ली एनसीआर को बना दीजिए कि लोग कुल्लू मनाली शिमला नहीं नोएडा एनसीआर घूमने आए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हरा बनाइए अपनी धरती को, हमारा यही मिशन है, इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं कि आप लोग देख देख जागरूक हो। हमें कभी रायपुर से, कभी छत्तीसगढ़ से, हर जगह से फ़ोन आ रहा है कि सर हम कैसे काम करें, कैसे पेड़ लगाएं। तो हमारा यही है कि आप सुबह उठो, एक्सरसाइज की जैसे आदत डालते हो वैसे एक पेड़ लगाने की भी आदत डालो, नहीं तो हमारी धरती खतरे में है और हम लोगों ने इसको खतरे में डाला है। तो धरती तो नहीं ख़त्म होगी लेकिन हम ख़त्म हो जाएंगे, जो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं गर्मी की वजह से, बाढ़ आएगा, जो बारिश नहीं हो रही है। आप दिल्ली एनसीआर में एक महीने से देखो बादल घिर रहे हैं, आ रहे हैं लेकिन चले जा रहे हैं। तो जहाँ पेड़ होंगे वही ये बादल बरसेंगे। तो अगर आपको बारिश चाहिए अपने घर के आसपास पेड़ लगाइए, पता चलेगा कि दिल्ली में कहीं बारिश नहीं हो रही, आपके घर के आसपास बारिश हो रही है। सोनू भाई, और ये नीम लग गया है, मौलश्री है, मौलश्री का पेड़ ज़्यादा ज़्यादा लगे, इसमें पतझड़ नहीं आता है, हमेशा ये हरा होता है, थोड़ी ग्रो बहुत स्लो करता है लेकिन इसके फल। और ये मौलश्री का पेड़ हमारा लग गया, देखिए कितना सुंदर हरा भरा, थोड़े देर खाली था लेकिन पेड़ लगने से ये जगह खूबसूरत हो गई है। और हम कहना चाहते हैं 28 तारीख को यमुना किनारे हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, यमुना सफाई कर रहे हैं। तो आप लोग अगर फ्री हो यमुना को संडे को सुबह 8 बजे आप यमुना किनारे आ सकते हो, आपकी माँ यमुना गंदा हो गई है, इसको साफ़ करना है। तो हम लोग हर महीने यमुना के किनारे पेड़ लगाते हैं और यमुना को साफ़ करते हैं और आरती होती है। तो आप लोग हमारी नदियाँ जितनी पोल्यूटेड हो गई हैं उसको साफ़ किया जाए। और ये सारे हम लोग आए, आप लोग प्रॉमिस करो कि कम से कम बरसात में पर्सनल एक पेड़ जरूर लगाओगे। हाँ, और जन्मदिन कब कब है आपका, इस महीने है किसी का बर्थडे? नहीं, वैसे किसी का बर्थडे है इसमें फरवरी में। अच्छा अच्छा, तो पेड़ लगाइए, हमें बुलाइए, हम लोग केक खाने नहीं आते, पेड़ लगाने आते हैं। प्लांटेशन हम लोग के साथ करके गूगल में मिशन सो करो डालिएगा तो आपको आ जाएगा, तो वहाँ पे अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हम मिशन 100 करोड़ डालिए, फेसबुक पे जाइए, हम हमेशा 7:30 बजे बिग बॉस जैसे पहुँच जाते हैं। तो काफ़ी लोग हमें इंतजार लाइव करते हैं कि अब आएंगे अब आएंगे, कोई बेंगलोर से कहता है, कोई कहीं से करता है। रिव्यू हमें चाहिए क्योंकि हमें और भी लोगों से जोड़ना है। हम लोग का टारगेट है कि देश के हर आदमी एक पेड़ हर साल लगाए, ज़्यादा की जरूरत नहीं, हम तो ओनली 100 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। हमारी आबादी लगभग 135 करोड़ के आसपास हो गई है, 135 करोड़ है, 4 से 5 साल हमारे पास और टाइम है, नहीं तो जब रेड लाइन क्रॉस कर जाएंगे ना तो उसके पीछे मुड़ के देखना भी चाहेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर आदमी इंडिया में अर्जेंट बेसिस पे 500 करोड़ पेड़ की ज़रूरत है और 14 से 15 लाख पेड़ हर साल कटते हैं सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेके, लगते एक भी नहीं है, लगाते हो करोड़ में लेकिन बचता उसका 0.1% भी नहीं है उसमें से। तो हम आज के डेट में जो कमा रहे हैं, हम सब लोग जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, अपने आने वाले जनरेशन के लिए कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे होंगे वो सर्वाइव करेंगे, क्या उनके लिए रिसोर्सेज छोड़ के जा रहे हैं, हवा और पानी, अगर वही नहीं रहेंगे तो हम उसके लिए क्या छोड़ के जाएंगे? प्रॉपर्टी होगा, सब चीज़ होगा लेकिन रिसोर्स नहीं होंगे जिससे वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हम लोग को, आप लोग कभी ज़्यादा कुछ नहीं, अकेले हैं बैठ के इस चीज़ को सोचिएगा, जब हम लोग छोटे थे तो इन्वायरमेंट क्या था, जब हमारे बच्चे हमारे एज में आएंगे तब इन्वायरमेंट कैसा होगा, बस इस चीज़ को आप एक बार सोच लीजिएगा, आपको सारा फिगर आपके सामने बन जाएगा, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है।
और अपने ऑफिस में टेबल पे आप इंडोर प्लांट रख सकते हो, सलपेरा है, सन ऑफ इंडिया है, और प्लांट है, ये सारे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, एरिका पाम, रोल प्लांट, सलपेरा, ये सारे एयर प्यूरीफाई प्लांट है जो आपके आसपास की जो भी हवा है उसको प्यूरीफाई करके आपको देता है। तो ये सारे इंडोर है, आप लोग इस चीज को भी अपने टेबल पे, ऑफिस में, बेडरूम में, पूरा घर ऑफिस पेड़ों से भर दो कि ज्यादा ज्यादा हरा सुंदर लगे। आप नींद खुले तो सुंदर हरे हरे पेड़ों को देख के अच्छा लगता है ना, फूल से भरा पेड़ देखना। आप लोग आए, अच्छा लगा क्योंकि आप लोग का साथ चाहिए, और हम लोग का भी जो 100 करोड़ का टारगेट है, ज्यादा नहीं, अगर हम लोग यहाँ 40 लोग आए हैं और 40 लोग अगर 10-10 लोग को मोटिवेट कर देंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, 400 पेड़ तो हमारे इजिली लग ही जाएंगे। तो हमें भी एक कदम बढ़ना होगा पर्यावरण के लिए, क्योंकि जो चीज भागदौड़ी का टाइम है उससे हम समय नहीं निकाल। देखिए पेड़ लगाते ही बादल काले हो गए, खुश हो गए बादल हमारे, और हो सकता है थोड़े देर बाद बारिश भी हो जाएगी और आप लोग का जो भी मेहनत है सारा सफल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे पानी देंगे वो अलग है, ऊपर से अमृत निकलता है इनके लिए, तो वो डायरेक्ट इनको। अब वहाँ पेड़ है तो चील बैठे हैं, 3 चील बैठा है, तो ऐसे पेड़ होगा तो और भी चिड़िया आएंगी, मोर आएंगे। दिल्ली एनसीआर में पहले बहुत मोर थे, लेकिन मोर विलुप्त के कगार पे। जब भी इधर से निकले एक बार इसका चक्कर जरूर लगाइएगा, क्योंकि आपको भी लगे कि हमने जो लगाया है वो क्या हालत है, क्योंकि मैं भी काफ़ी दूर रहता हूँ, ये लोग यहाँ पे हैं, इन लोगों की वजह से पेड़ लगाए, ये लोग ही यहाँ पे, इनका खो खो का वो चलता है, टीम है पूरा कबड्डी का, तो ये लोग करते हैं, तो ये लोग बोले थे कि लगाना है, चलिए ठीक है, हम लोग को तो पेड़ लगाना है। ठीक है सर, थैंक यू सर आप लोग आने के लिए। Thank you.